नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी का सबसे बेस्ट सेलिंग मॉडल और सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल, उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा, इवन आउटडोर भी आपको खोल के दिखाऊंगा कि इस मशीन की ऐसी क्या खासियत है जो कि ये मशीन सबसे ज़्यादा बिकती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि रेगुलरली वीडियो आपको इंस्टेंटली मिल जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो मित्सुबिशी हैवी का ये वाला मॉडल है, ये 1.6 टन 3 स्टार रेटिंग में आता है और अगर आप बिलीव करें डे टन के अंदर ये सबसे बेस्ट मशीन है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये बेस्ट मशीन क्यों है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी कूलिंग कैपेसिटी से। अगर आप इसकी कूलिंग कैपेसिटी की बात करते हो तो ये इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाली किसी भी कंपनी की मशीन नहीं है। ये अपना 1.6 टन में 3 स्टार रेटिंग जो आता है नॉन इन्वर्टर सीरीज़ के अंदर, इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5925 मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी है और 6000 मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी है। मैं मैक्सिमम नहीं लेता, मैं सिर्फ मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी के थ्रू ही आपको बताऊंगा, जो भी चीज़ें होंगी वो मिनिमम करके ही बताऊंगा। तो मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी 5925 मिलती है आपको। अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज 1250 मिनिमम है और 1485 मैक्सिमम है। अगर इसका मैक्सिमम वोल्टेज भी लेके चलें तभी भी 5925 कूलिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाली मशीन कहलाती है। अगर मशीन की BTU की बात करी जाए तो 20,000 मिनिमम BTU है ये, 20,200 समथिंग आती है और मैक्सिमम BTU जो आती है इसकी वो 21,000 के अराउंड आती है। तो अगर आप मशीन की BTU की बात करोगे तो वो 21,000 BTU देखने को मिलती है आपको, जो कि नॉर्मली अगर आप डेटन का AC लेते हो तो आपको BTU कितना देखने को मिलता है, 18,000 BTU देखने को मिलता है डेटन में। और कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी आपको 5,100, 5,200, मैक्सिमम 5,300। एक जनरल का मॉडल आता है जो कि 5,400 कूलिंग कैपेसिटी आता है, इससे आगे कोई नहीं है। तो इसलिए इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ये सबसे बेस्ट मशीन है। कंपनी ने ये मॉडल 2015 में लॉन्च करा था विद ब्रॉड इंडोर यूनिट। उस टाइम ये सबसे पहला ऐसा यूनिट था जो बड़े इंडोर के साथ आता था। उस टाइम कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, कोई भी कंपनी को ये किसी भी कंपनी के 2 टन की मशीन को बीट करने के लिए इसका 1.6 काफ़ी है। और उस टाइम से लेके अभी तक ये मॉडल एज इट इज़ ही चलता हुआ है। उस टाइम भी बहुत ज़बरदस्त सेल होती थी, आज की डेट में भी बहुत ज़बरदस्त सेल होती है इस पर्टिकुलर मॉडल की। और अगर मेरे से पर्सनली कोई पूछे कि पवन जी आपके हिसाब से सबसे बेस्ट मशीन कौन सी है, तो मैं ये रेकमेंड करूँगा अगर आपको डेटन में लेना है तो इससे बेटर मशीन किसी भी कंपनी की नहीं है। तो आप ये जा सकते हो, सबसे बेस्ट ऑप्शन के साथ मिलती है, सबसे ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी के साथ मिलती है, वॉटेज आपको बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मिलाओगे ना तो आप कैलकुलेट करोगे कि इससे कोई बेटर मशीन है ही नहीं मार्केट में, कोई कॉम्पिटिटर नहीं है इनका। इतनी कम वोल्टेज, 1250 मिनिमम, 1485 मैक्सिमम वोल्टेज, वोल्टेज इतनी कम मिल रही है आपको, कूलिंग कैपेसिटी 5925 सबसे ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है आपको, मशीन की BTU 20,000 मिनिमम और 21,000 मैक्सिमम BTU मिल रही है। तो सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की मिल रही है। अगर मैं एम्पेयर्स की बात करूं तो नॉर्मली किसी भी कंपनी का आप डेटन का AC लोगे, चाहे वो सस्ते सस्ता महंगे से महंगा हो, तो आपको 7 एम्पेयर 7 पॉइंट समथिंग एम्पेयर की आती है मशीन। बट ये जो मशीन है ये 5.6 से लेके 6.6 एम्पेयर तक चलती है। मतलब 6.6 एम्पेयर अगर आप मैक्सिमम भी लेके चल रहे हो तब भी बाकियों से कम एम्पेयर ले रही है, इतनी ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी देके भी, इतने ब्रॉड इंडोर के साथ ही। और इसमें आपको 3D कूलिंग का ऑप्शन मिलता है जिसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आप स्विंग कर सकते हो। बड़ा रूम भी रहेगा तब भी बहुत जल्दी ये कवर कर लेगा, बिकॉज ब्रॉड इंडोर है, 3D स्विंग है, तो ये एडवांटेज मिलता है आपको, पूरे एरिया को बहुत जल्दी कवर कर लेता है। इसके अलावा इसमें जो और एडिशनल फीचर आते हैं वो आपका एंजाइम फिल्टर लगा हुआ आता है, इसमें सोलर फिल्टर आता है जिसकी वजह से आपको क्लीन एयर मिलती है। और अगर बात करें तो सेल्फ डायग्नोसिस का ऑप्शन मिलता है। मेन जो वैसे कंपनी का जो हाईलाइटेड फीचर है वो यही है कि इनकी सबसे ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी ये मशीन है और इनका कोई कंप्यूटर नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकेशंस के थ्रू आप जाते हो और किसी भी ब्रांड से अगर आप कंपेयर करोगे इसको, तो आप देखोगे कि इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए भी तो कोई सिमिलर ब्रांड होना चाहिए, सिमिलर प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी आप कंपेयर भी करोगे। अगर रेट की बात करें तो सिर्फ रेट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो आप। जनरल का एक मॉडल आता है 18FUTD, उससे आप इसको कंपेयर कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज स्पेसिफिकेशन के थ्रू कोई और मॉडल है नहीं जो इससे कंपैरिजन बनता हो। तो यही था वीडियो के अंदर, पूरा डिटेल में मैंने बताया आपको कि मशीन का BTU कितना ज़्यादा है, 20,000 मिनिमम, 21,000 मैक्सिमम, कूलिंग कैपेसिटी कितना ज़्यादा है 5925 से 6,000, और वोल्टेज कितना कम है 1250 से लेके 1485 तक, एम्पेयर कितना कम है 5.6 से लेके 6.6 तक। तो ये सारी स्पेसिफिकेशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे इससे बेटर मशीन कोई नहीं है। बाकी इसके अंदर वही सेम फीचर मिलते हैं आपको, सेल्फ डायग्नोसिस का ऑप्शन, ऑटो क्लीन ऑप्शन, ये सब छोटे मोटे जो फीचर हैं वो आपको इसमें देखने को मिलता है। एडवांस फिल्टर जो इसमें आते हैं वो अलग से दिए होते हैं कंपनी ने, वो आपको जब इंस्टॉलेशन आप कराएंगे तो उसमें आपको प्लेस करवाना पड़ता है इंडोर में, अंदर वाले फिल्टर के साथ अटैच कराना पड़ता है, तभी उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसको। अगर आप इतना पैसा स्पेंड भी कर रहे हो, कंपनी साथ में चीज़ भी दे रही है, उसको भी अगर आप नहीं लगाओगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं वेस्ट जा रहा है। तो
टोटल यही था कि इससे बेटर कोई मशीन नहीं है। ये मैंने एक्चुअली इसका वीडियो पहले भी बनाया था, बट उसमें मैंने आउटडोर का अनबॉक्सिंग नहीं करा था, तो इतना ज़्यादा मैं डिटेल में बता नहीं पाया था, इसलिए मैंने इस वीडियो में आउटडोर का भी अनबॉक्सिंग करा है और आउटडोर मैंने ऊपर का टॉप खोल के भी अंदर दिखाया है कि इस मशीन की कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा क्यों है। एक्चुअली फ़र्क ये होता है मेनली कि अंदर जो कूलिंग कॉयल का अंदर जो कंडेंसर है इसका, वो डबल रो कंडेंसर है और जो कॉयलों की थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, इसलिए मशीन की कूलिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा निकल के आती है। कैपिलरी सिस्टम बहुत अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत साइलेंट मशीन है और ये पर्सनली सबसे बेस्ट एयर कंडीशन है। अगर आप डेटन के सेगमेंट में एयर कंडीशन परचेज करना चाहते हो नॉन इन्वर्टर, तो इससे बेटर मशीन आपको कोई भी नहीं मिलने वाली। अगर आप किसी भी एसी से अगर आप परेशान हो चुके हो, आपको लगता है कि यार वहाँ पे मेरा कोई एसी काम नहीं करता, तो आप बिलीव कीजिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप ये मशीन वहाँ पे प्लेस कीजिए और आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करोगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। तो टोटल वीडियो में अभी यही था, आगे चलते हैं अनबॉक्सिंग वगैरह करके दिखाता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें। ये है मित्सुबिशी हैवी ड्यूटी का हाइब्रिड, जिसे कहते हैं हैवी ड्यूटी आउटडोर यूनिट, जिसका मॉडल नंबर है SRK20CSS। ये आउटडोर का मॉडल नंबर है और इंडोर में देखने को मिलेगा आपको SRK20CSS। एक्चुअल यूनिट का जो मॉडल नंबर होता है वो इंडोर पर ही लिखा होता है मोस्ट ऑफ टाइम। साथ में एसी के साथ में क्या क्या मिलता है आपको और क्या क्या डिटेल्स हैं इसकी, जैसे कि आप देख सकते हो स्प्लिट एयर कंडीशन आउटडोर यूनिट प्लस इंडोर, इंडोर के अंदर क्या क्या मिलेगा वो मिलेगा, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। पाइपिंग आपको साथ में नहीं मिलती है, जो 3 मीटर की पाइपिंग किट आती है वो साथ में नहीं आती है इसमें। 1.6 टन की मशीन है ये, सिर्फ एक आउटडोर देखने को मिलता है इसमें आपको। और इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है, जो कंपनी का सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है, वो है 5925, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी वाली मशीन है। और ये 44 केजी का हैवी आउटडोर आता है और सबसे बड़ी खासियत ये R410 मशीन में आता है। R410 उन प्रीमियम मॉडल्स में से है जो जो ज़्यादातर कंपनी के प्रीमियम मॉडल्स होते हैं उसमें R410 यूज़ की जाती है, बिकॉज ये कंपनी को थोड़ी सी महंगी पड़ती है R32 के मुकाबले। और अगर आप कूलिंग एफिशिएंसी की बात करोगे वो आपको 410 के अंदर ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो एक साल के अंदर ये 1149 यूनिट कंज्यूम करता है, मतलब एक घंटे के अंदर लगभग एक यूनिट से भी कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। वैसे तो अभी तक मैं जितने भी आपको आउटडोर खोल के दिखाता था वो ऐसे ही खोल के दिखाता था, बट इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा इसका टॉप भी आपको खोल के दिखाऊंगा, यूनिट के अंदर भी दिखाऊंगा अंदर क्या खासियत है इसकी, किस वजह से ये मशीन इतना ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी के साथ आती है। तो आइए यूनिट को ओपन करें ज़रा। तो फ्रेंड्स, ये इसका आउटडोर का लुक है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, बहुत अच्छे डिज़ाइन के साथ है। यहाँ पे आपको हैवी ड्यूटी की ब्रांडिंग मिल जाती है और सेम यही स्टार का स्टिकर जो आउटडोर पे भी था, सेम वही स्पेसिफिकेशन सर, 1149 यूनिट पर ईयर, 3.99 ISER के साथ। और देखते हैं क्या क्या आता है इसमें। यहाँ पे कुछ यूनिट की डिटेल्स दी हुई हैं। ये इसका कंडेंसर है जो कि कॉपर कंडेंसर आता है, इसके ऊपर कोटिंग करी हुई नहीं आती है, बट यहाँ कोटिंग करने से देखो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी आपकी गैस लीक होगी जो साइडों में जो आपका कंडेंसर के जो जॉइंट्स होते हैं, जो कॉपर के जॉइंट्स होते हैं, हमेशा वहाँ से लीकेज होती है, इधर से कभी भी लीकेज नहीं होगी। बहुत रेयर केस होता है आपको यहाँ पे लीकेज देखने को मिलेगी। यहाँ पे यूनिट की स्पेसिफिकेशंस दी हुई है, जैसे मॉडल नंबर और यूनिट का वेट कितना है, वो सारी चीज़ें दी हुई है। और इधर है कुछ मैनुअल इंस्ट्रक्शन वाले इंस्टॉलेशन, R410 वैसी ब्रांडिंग दी हुई है। आइए मैं इसका टॉप खोल के दिखाता हूँ अंदर क्या है इसके। तो दोस्तों, ये है इसकी खासियत, ये जो डबल रो का कंडेंसर आप देख रहे हैं ना, जिसमें दो लाइनें जा रही है, जिसकी अच्छी थिक कूलिंग कॉइल्स हैं, जिसकी अच्छी थिक कॉइलें हैं, इसकी वजह से कूलिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है हमेशा इस मशीन की। डबल रो कंडेंसर यूज़ करती है कंपनी, ये आपको गिनी चुनी कंपनी में ही मिलेगा या शायद ही किसी में देखने को मिलेगा, जो कि इतनी थिक कॉइल के साथ आपको डबल रो कंडेंसर दे रही है। नॉर्मली जितने भी आप आउटडोर देखोगे उसमें यहाँ पे एक सिंगल लाइन होती है, जो ये लाइन है सिंगल लाइन होती है सिर्फ ये, बट इसमें आपको डबल लाइन देखने को मिलती है, जिससे कूलिंग एफिशिएंसी और ज़्यादा अच्छी आती है इसका। ये मेन डबल कंडेंसर का जितनी ज़्यादा रो होंगी, मतलब कॉपर की, ये उतनी ज़्यादा कूलिंग एफिशिएंसी होगी, उतना ज़्यादा अच्छा वो इसे कूल करेगा, उतना फास्ट कूल करेगा वो। बाकी ये जो इसका कंप्रेसर है, कंप्रेसर के साथ में ये जैकेट एक राउंड करी होती है, जिससे क्या होता है आपकी नॉइस जो होती है, वाइब्रेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है कंप्रेसर की। तो ये खासियत है इस मशीन की। यहाँ आप देख सकते हो क्लियरली आपको दिखेगा यहाँ पे कि डबल
कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मशीन इतनी बढ़िया है, ये खासियत है, ये जो डबल रो कंडेंसर है ना, और ऊपर से इसके जो रो जो एक जो इसका ये जो है कूलिंग जो इसकी कॉइल है उसकी थिकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये खासियत है, ज़्यादा अच्छी कूलिंग कैपेसिटी की, ज़्यादा कूलिंग कैपेसिटी की ये खासियत होती है। तो ये अब चलते हैं इंडोर की तरफ, मैं आपको इंडोर को डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है इसका ब्रॉड इंडोर यूनिट, जिसका इंडोर का डायमेंशन आता है लगभग 47.2 इंच का इंडोर का साइज़ है इसका। और स्पेसिफिकेशन देखते हैं इसमें, आपको वही सेम मॉडल नंबर देखने को मिलेगा SRK20CSS जो कि इंडोर का मॉडल नंबर होता है, और ये पूरे यूनिट का ही मॉडल नंबर यही होता है। और ग्रॉस वेट जो है इसका 19 kg का है, मतलब अच्छा हैवी बल्की यूनिट है। मेड इन थाईलैंड मशीन आती है, फुल इम्पोर्टेड मशीन है ये। मॉडल नंबर 1.6। पैकेज के अंदर आपको मिलता है एक इंडोर यूनिट, एक रिमोट हैंडसेट, दो फिल्टर्स, इंस्टॉलेशन प्लेट, यूज़र मैनुअल और दो बैटरियाँ। वारंटी कार्ड भी मिलता है, बट बिल से ही वारंटी होती है इसकी। कूलिंग कैपेसिटी 5925 आपको देखने को मिलती है। पावर सोर्स है, सिंगल फेस यूनिट है ये, और 1485 वाटेज की मशीन है ये। 1485 वाटेज है, और नेट वेट जो है यूनिट का वो 16 kg का है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये जून 2021 का मैन्युफैक्चर्ड है। थाईलैंड में मशीन है, इंडोर की डायमेंशन दी हुई है, स्टार रेटिंग का स्टिकर है, ICR आपको 3.9 देखने को मिलता है इसमें, और कूलिंग कैपेसिटी वगैरह तो वही सारी सेम है जो इंडोर आउटडोर के स्टिकर पे थी, सेम वही है, तो कुछ अलग नहीं है इसमें। आइए यूनिट को ओपन करके देखते हैं। आपको उसमें कुछ दो फिल्टर देखने को मिलते हैं, मैनुअल बुक और इसका रिमोट हैंडसेट, जो कि टिपिकल मिट्सुबिशी रिमोट है, जो कि सारे मॉडल्स में लगभग से मिल जाता है। सर एक 210 इन्वर्टर की बात करें तो उसका रिमोटर लगाता है, बाकी सारे सेम आते हैं इन्वर्टर। बैटरी दी हुई हैं, दो काफ़ी एडिशनल फिल्टर दिए हुए हैं, जिसको अलग से आपको यूनिट के अंदर लगवाना पड़ता है। जो यूनिट के अंदर फिल्टर लगे हुए आते हैं वो अलग होते हैं, वो सिंपल फिल्टर होते हैं, ये एयर क्लीन करने वाले फिल्टर्स होते हैं जो कि हेल्दी एयर का काम करते हैं, तो ये आपको अलग से लगवाना पड़ता है उसमें। दोस्तों ये इसका इंडोर यूनिट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ब्रॉड इंडोर है, और आई थिंक ये उन गिनी चुनी कंपनी में से जो कि काफ़ी ब्रॉड इंडोर यूनिट बनाती है। नेट यूनिट डायमेंशन, यहाँ मिट्सुबिशी हैवी की ब्रांडिंग है, मिट्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज़। हैवी ड्यूटी जेट फ्लो, जेट फ्लो मीन्स आपको एयर फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है इसमें आपको। और कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दी हुई है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो। बस आउटडोर पे भी सेम ये चीज़ें लिखी हुई है, इंडोर पे भी सेम कुछ ऐसी चीज़ें लिखी होती है जो मॉडल को पूरे अच्छे से डिस्क्राइब करती है। ऑन ऑफ टाइमर की लाइट है, ऑन ऑफ टाइमर, ये सारी लाइट है। 3D ऑटो का ऑप्शन मिलता है इसमें आपको, जो कि बहुत एडवांस फीचर, जो कि अंदर के लोवर्स को लेफ्ट राइट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्विंग देता है। सेम वे स्टार रेटिंग का स्टिकर, SRK20CSS, सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ, और इधर कुछ नहीं है। बाकी सबसे बड़ी खासियत यही है इसकी कि ये काफ़ी ब्रॉड इंडोर में आता है। और अगर इसके फ़िल्टर्स की बात करें तो इस तरीके से दो सिंपल फ़िल्टर दिए होते हैं, जिसके ऊपर आपको वो एडवांस वाले फ़िल्टर लगाने होते हैं, जैसा कि यहाँ पर स्पेस बना हुआ है इस जगह पर, इसमें आपको वो फ़िल्टर लगवाने होते हैं, वो आप ख़ुद भी लगा सकते हो। वैसे आप जो टेक्नीशियन से इंस्टॉल कराएंगे, आप बेटर है कि आप उन्हीं को बोलिए लगाने के लिए। तो ये था अनबॉक्सिंग हमारा मिट्सुबिशी हैवी ड्यूटी 1.6 टन 3-स्टार रेटिंग, और ये सबसे बेस्ट मशीन है इंडस्ट्री में। तो आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।